श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रंगीला मेहमान पे सबका स्वागत है। जी प्यारी संगत जी, आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये इन भाई का घर है। तो यहाँ का जाने के ये भावलपुर से दूर है, ये चोलिस्तान के अंदर ये हिंदू परिवार का घर है। तो हम जानेंगे ये कैसे रहते हैं और ये इनका घर लाइफस्टाइल सब कुछ दिखाते हैं आपको। जी भाई, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी रमेश भाई। रमेश भाई, आप क्या करते हैं काम? जी हम खेती बाड़ी करते हैं। जी खेती बाड़ी करते हैं, और क्या करते हैं? और गाय बकरियां भी पालते हैं। जी रमेश भाई का घर है ये यहाँ पर है ना, खेती बाड़ी करते हैं और इनका घर। भाई घर में विजिट कराएंगे आप? जी सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर इन्होंने गाय और रखी हुई है। भाई ये कौन सी नस्ल की गाय है? कौन सी? रोही चोलिस्तान की नस्ल है। ये रोही चोलिस्तान की नस्ल की गायें हैं। और इस साइड पे मेरे ख्याल में भाई ये क्या गेस्ट रूम बना हुआ है? जी ये गेस्ट रूम है। तो चलते हैं भाई, ये मेहमानों के लिए गेस्ट रूम बना गया है। और ये गेस्ट रूम है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गेस्ट रूम है इनका। यहाँ पर मेहमानों को ठहराया जाता है जी। क्या बात। ऊपर छत की बात की जाए तो ऐसी छत होती है यहाँ पर डेजर्ट के इलाके में, ऐसे ही ना भाई? जी जी ऐसी कच्ची छत होती है। तो चलते हैं, क्या बात है जी। भाई यहाँ पर लाइट नहीं है? लाइट नहीं है यहाँ पर, सोलर सिस्टम, सोलर लगाई जाती है। और इसके अंदर क्या है? ये इसके अंदर दाने हैं सर। इसके अंदर दाने रखे हुए, क्या ही बात। तो चलते हैं इस साइड पे। तो रमेश भाई, आपके बेटे का नाम क्या है? जी हमारे बेटे का नाम है राजेश कुमार। मारवाड़ी में बात की जाए नहीं तो ईदगाह वगैरह यहीं करते नहीं, तो दिखाई जाए नहीं, ऐसे यहाँ पर घास काटते हैं, यहाँ पर गाय के लिए भैंसों के लिए ऐसे ऐसे काटते घास काटते हैं। तो और कुछ भी सब कुछ दिखाते हैं आपको। रमेश भाई, इस बेबी का नाम क्या है? जी ये पप्पू सागर जी। क्या बात है, ये क्या लगता है आपका? बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा। इसके गाल देखो बहुत प्यारे प्यारे, खिची 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 खिची। रमेश भाई इस साइड पे क्या है? जी ये हमारा गायों का भाड़ा है। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने बकरियाँ और गायें यहाँ पर रात के समय में ऐसे ही बांधते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे ही ना रमेश जी, भाई जी, जी, और भाई आपका नाम क्या है? हजारी राम। हजारी राम भाई, आप क्या करते हैं? हम रोई रहते हैं, गाय चराते हैं। वाह, यहाँ पर ज़्यादातर ग्वाले होते हैं, गायें चराते हैं। तो इस साइड पे दिखाते हैं सब, यानी कि सब्ज कलर के खेत खेत हैं, बहुत ही प्यारे खेत हैं। और तो प्यारे संगत जी, ये यहाँ पे किचन बनाया गया है, तो हम आपको दिखाते हैं। ये गर्मियों में यहाँ पर खाना शाना बनाते हैं और ये एक हिसाब से बर्तन वगैरह रखते हैं इस साइड पे। और ये किस चीज़ के लिए बनाया भाई? ये मुर्गियों के लिए खुदा बनाया गया, क्या बात है। और इसके अंदर भी सामान वगैरह रखते हैं और बर्तन वगैरह यहाँ पर रखे गए हैं। और ये एक हिसाब से सेफ अलमारी, इसके अंदर सेफ सामान के लिए सामान रखा गया, क्या बात है। ये खुदा, वो जो खुदा था ना वो इन लोगों का है। अब क्या कर रहे हैं? चाय बना रहे हैं। ये जी हमारे लिए चाचू जी चाय बना रहे हैं, क्या ही बात है। और ये बच्चे से लकड़ियाँ दे रही हैं चाचू को। एक गाय का दूध है ना। और बात बता दें, हमारे साथ जो भाई आए थे ना, और विनय भाई, रणवीर भाई, सागर राय और शबूराम भाई, और हमारे इसी काका ने चाय बनाई थी और बहुत ही। तो ऐसे ही यहाँ पर चाय होती है देसी प्यालों में, बहुत ही प्यारी चाय। और जो भी हमारे बैक व्यू आप देख सकते हैं कि अनि मारवाड़ी में बोले नहीं हैंगे थे, चाय पिए, काके चाय बनाई थी, बहुत ही हकड़ी चाय बनाई थी। तो गाइस ये यहाँ पर धर्म स्थान बनाया गया, जो शाम के समय में यहाँ पर जो जगाया जाता है, यहाँ पर भगवान की प्रार्थना की जाती है और भजन कीर्तन भी यहाँ पर शाम के समय में करते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत स्थान बना हुआ। तो ये डेजर्ट का इलाका है जिसे रोही चोलिस्तान कहा जाता है, उसके अंदर ये सबस खेत है, बहुत ही प्यारा घर है। और ये हमारे रणवीर भाई और विनय भाई, जो भी हमारे जितने भी ब्लॉगर भाई यहाँ पर आए हुए हैं पर शूटिंग कर रहे हैं। तो गाइस ये यहाँ पर ऐसे ही हाथ से ही बनाया जाता है, ये बिल्कुल आल टू आल ये हाथ से ही काम करते हैं। जो भी देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यू है।
ये अपने घर के लिए खुद ऐसा ही तैयार करते हैं। रमेश भाई अपने रूम का विजिट करेंगे। जी रमेश भाई, तो ये इनका घर है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत घर है और ये मुकम्मल का मुकम्मल हाथ से बनाया जाता है, ये घर के लिए बनाया जाता है। और भाई ये क्या है, इसे क्या कहते हैं आप? जी ये शीशा। शीशा जी, ये मिरर है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ये मुकम्मल व्यू ये भी। और यहाँ पर इन्होंने बर्तन रखे हुए सब अलमारी में, सिलाई मशीन भी है, क्या बात है, ये इनका घर है, देख सकते हैं आप कितना प्यारा खूबसूरत व्यू है। ये मुकम्मल का मुकम्मल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही देहात, इसे रियल यानी कि देसी कल्चर ही कहा जाता है। और ये यहाँ का नलका है, हैंड पंप कहते हैं इसे, तो बहुत ही प्यारा हैंड पंप है। और जिको यानी यानी मारवाड़ी में बोले ने देसी माहौल है नहीं, ऐसे हैंग मारवाड़ी भाई जी रहनी ऐ मोहरा है नहीं, मारवाड़ी भाई जानी ऐसे यहाँ जिको चौलिस्तान में रह नहीं यही ना भाई। ऐसे चलते चलते ऐसे एक व्यू मिल गया, बहुत ही प्यारा खूबसूरत व्यू। इधर एक गाना तो बनती है, कहते धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसे देश है मेरा है। तो ये यानी कि मेरा देश है ना पाकिस्तान, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत देश है। यहाँ पर हर यानी कि मज़हब के लोग रहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं मैं एक मारवाड़ी भाई हूँ, यानी कि हमें मारवाड़ी कहा जाता है, हम पाकिस्तानी और हम बिल्कुल आज़ादी से ही रहते हैं। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हमारा देश है। और जहाँ भी जाता हूँ ना मैं ये राजस्थानी जो पग है ये मैं बांधे रखता हूँ, क्योंकि मुझे है ना इस पग से बहुत प्यार है। और जो भी है देख सकते हैं बहुत ही प्यारा। और ये हमारे रमेश भाई, ये रमेश भाई की बाइक है, ऐसी बाइक होती है यहाँ पर। प्यारी संगत जी, जैसे आपने देखा यहाँ पर कितना प्यारा खूबसूरत नज़ारा है, ये रमेश भाई और शबू भाई का ये घर है। तो विनय भाई आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा यार, बहुत मतलब कि प्यारी फैमिली है और भगवान इनको लंबी उम्र दे और ऐसे खुश रखे, बहुत मज़ा आया यार। और सपोर्ट करो जी। और रणवीर भाई कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत यहाँ डेजर्ट में आके ना बहुत ही अच्छा लगा, एक तो शांति देख के और ऊपर से जमीन में घर है ना, तो चिड़िया जो चिड़िया है वो चहचहा रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सागर भाई आप बताएं कुछ। बहुत आनंद है यार, हमने मतलब सोचा नहीं था कि हम डेजर्ट में जाएंगे, इतना मजा आएगा। और हम पहली बार सोच रहे थे कि यार डेजर्ट तो हमें मूवीज में देखते हैं ना, वीडियो में अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पे आए, आने के बाद पता चला यार ये तो जन्नत है। बिल्कुल, तो अब वापस में जाने को दिल नहीं कर रहा है, स्वर्ग से कम नहीं है ये, स्वर्ग से जी। ये खामोश। तो एक बात आपको बता दें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करें शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।